न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति जारी करने वाले हैं। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति जारी करेंगे। अब से थोड़ी देर में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा। इससे पहले कल राज्य के विधि आयोग ने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। 19 तारीख तक लोगों से सुझाव मांगा गया है। 19 तारीख तक लोग इस नई जनसंख्या नीति पर अपने सुझाव दे सकते हैं। आगे सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी। तो ये बड़ी खबर है। विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में नई जनसंख्या नीति जारी करने वाले हैं। इसका उद्देश्य ये है कि बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाई जाए, ताकि जो राज्य के संसाधन है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके लोगों के लिए। तो ये बड़ी खबर। आबादी विस्तार गरीबी अशिक्षा के लिए बड़ी कारक होती है, और इसलिए अगर बढ़ती आबादी को कंट्रोल कर लिया गया तो सरकार का यह मानना है कि गरीबी अशिक्षा से बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। सरकार का यह भी मानना है कि जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है, लिहाजा जो सरकार की नई जनसंख्या पॉलिसी होने जा रही है उसमें जागरूकता कैसे लोगों के बीच फैलाई जाए, इस पर भी खासा फोकस रहने वाला है। इसको लेकर भी एक रूपरेखा सामने आ सकती है। देश का सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। इस ड्राफ्ट में जहां 2 से अधिक बच्चे वालों को सुविधाओं में कटौती की बात है, तो वहीं 1 या 2 बच्चों के पेरेंट्स को सरकारी योजनाओं के फायदे के साथ ही बिजली पानी के बिल में कई तरह के डिस्काउंट देने की बात भी कही गई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आए इस ड्राफ्ट बिल को लेकर यूपी ही नहीं देश की सियासत गर्म है। एक रिपोर्ट देखिए। शहरों में भीड़, गांवों में भीड़, मेट्रो से लेकर बसों में भीड़, यहां तक कि अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले लोगों के सामने भीड़ की चुनौती। इसी भीड़ की वजह से हमारे बीच मौजूद संसाधन सिमट रहे हैं, जिसका बोझ हम सभी पर पड़ रहा है। आज दुनिया बेतहाशा जनसंख्या बढ़ोतरी की मार झेल रही है, जिसे कंट्रोल करने की चुनौती बड़ी है। लिहाजा हर देश अपने फॉर्मूले के हिसाब से जनसंख्या कंट्रोल करने की कोशिश में जुटा है। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कंट्रोल का प्लान पेश कर दिया गया है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके ड्राफ्ट को राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है। इसमें 1 या 2 बच्चे होने पर माता पिता को बंपर रियायत की बात कही गई है, तो वहीं 2 से ज्यादा बच्चे होने पर किसी तरह की सरकारी छूट नहीं मिलेगी। इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक सरकार ने जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड है। इस ड्राफ्ट में जो लोगों को प्रोत्साहन दिए जाने हैं, और इसके अलावा जो लोग 2 बच्चों की नीति का पालन नहीं करेंगे उनकी जो प्रतिबंध होंगे, वो सब इसमें दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये ड्राफ्ट किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। हमारे नज़र में सर्वधर्म संभाव है और सभी व्यक्तियों को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधि आयोग द्वारा तैयार ड्राफ्ट 15 अगस्त से पहले सीएम योगी को सौंप दिया जाएगा। आयोग ने जहां 2 से कम बच्चे होने पर रियायतों का पिटारा खोल दिया है, तो वहीं 2 से अधिक बच्चे होने पर कई अधिकारों से वंचित रखने का प्रस्ताव है। मसलन 2 से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने पर रोक, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर पाबंदी होगी, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का प्रमोशन नहीं होगा, ऐसे कई प्रस्ताव नई जनसंख्या नीति में रखे गए, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल किया जाए। ये मानते हैं कि ये मसौदा जब जनता के बीच में जाएगा, जनता का निर्णय आएगा, हम उस पर देखेंगे। और हमें उम्मीद है, क्योंकि ये जनहित के लिए लाया जा रहा है, जनता की राय इसलिए ली गई है कि जनता जब राय हमको दे देगी, और चूंकि सरकार की मंशा साफ है, तो हम इस पर कानून लाएंगे और कानून जनहित का होगा, सबके हित का होगा। वहीं विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा करार दे रहा है।
इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहां पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं, इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है और इनको दिखाई देता है कि उनकी हार निश्चित है, तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आएंगे जिससे समाज धर्म के आधार पर बटे, पोलराइजेशन हो, इसका लाभ उन्हें मिले। जहां जनसंख्या कंट्रोल के जारी ड्राफ्ट पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी इस पर एतराज है। जिस तरीके से बार बार कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, कभी लव जिहाद पर कानून और कभी दूसरे कानून की बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि इससे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी और हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी कोई ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होने वाला नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि जनसंख्या कंट्रोल देश की ज़रूरत है और इसे सिर्फ माइनॉरिटी से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। जो लोग ये विरोध करते रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता ये जनसंख्या जो नियंत्रण की बात होती है तो क्या किसी एक धर्म, एक जाति और एक क्षेत्र की होती है क्या? ये तो देश की जनसंख्या को जो है वो जागरूकता पैदा करने, उसको नियंत्रण करने की बात होती। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अनिल यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल, मैं आपके पास आता हूं। आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति जारी करने वाले हैं, बड़ी बातें क्या? तो चलिए, अनिल यादव हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं, मैं एनके सिंह सर का रुख करता हूं। एनके सिंह सर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी जनसंख्या देश में उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ऐसे में जरूरी है कि पॉपुलेशन को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। देखिए, इसके दो तरीके हैं। आपने देखा होगा कल जो बताया गया लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि NFHS 5th में भी है, यूपी और बिहार बुरी हालत में है। TFR इनका 2.7 और 3.1 है, बिहार का 3.1 है। लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है यूपी की भी, ये दोनों स्टेट बर्बाद कर रहे हैं पूरे देश के। आप जरा देखिए, GDP में भारत 5वें नंबर पर है, लेकिन जैसे ही पर कैपिटा इनकम जिसको पॉपुलेशन से आप डिवाइड करेंगे तो वो एकदम से नीचे चला जाएगा और करीब 88 नंबर पे आ जाएगा। वजह क्या है? पॉपुलेशन। और जहां तक स्वच्छंदता लिबर्टी देके हमने देख लिया कि लिबरल अप्रोच करके हमने देखा कि स्टेट ने कहा कि भैया कंट्रासेप्टिव लगाइए, भैया पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल कीजिए, कोई नहीं मान रहा है। नतीजा यह है कि यूपी में आज भी 2.7 TFR है। इसलिए बेहद जरूरी था, और मेरे लगता है उसे पॉलिटिक्स छोड़ दे कि आपने 2 महीने पहले किया, 4 महीने, अरे भाई 70 साल से नहीं हुआ है, और 70 साल से यह आपकी एक अज्ञानता हमारे पूरे सिस्टम को खा रही है, जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको रोक रही है। लिहाजा मुझे लगता है कि इसमें गलती नहीं है कि ये करें। और जहां तक इसका सवाल है, मुसलमानों को भी इसमें ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि उनका जो ये बीजेपी गलत कहती है कि मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2.4 इनका डिकेडल ग्रोथ रेट देखेंगे आप तो 24.6% है, उतना ही लगभग दलितों का भी है, 1% कम है, तो दलित भी उसी तरफ है। तो अगर ये पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल का कानून लाते हैं तो दलितों के लिए भी वो दिक्कत हो, लिहाजा न तो मुसलमान नाराज होगा न दलित नाराज होगा, इसको बड़े आराम से आप ला सकते हैं। और कहीं से ये कम्युनल नहीं है, क्योंकि मुसलमान ऑलरेडी बहुत तेजी से कम कर रहा है। लेकिन एनके सिंह सर, होता है ना कि जब राज्य में चुनाव हो और चुनाव से पहले जिस बात का आपने जिक्र कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो विरोधी पार्टियां होती हैं वो तो सवाल उठाती हैं। इसीलिए मैं सीधे डॉक्टर अजीज खान का रुख करता हूं। डॉक्टर अजीज खान, मसला तो है पॉपुलेशन का, और लगातार लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि सारे मर्ज का एक इलाज हो सकता है अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। एनके सिंह सर भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है वो एक बड़ी समस्या है। आप लोगों को दिक्कत क्यों है? देखिए, दो तीन बातें बड़ी अहम है जो हम लोगों को समझ लेना है। अभी एनके सिंह साहब को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, एक बड़े पत्रकार है, और उनका जो सुझाव है इसमें नो डाउट की सराहनीय है। सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में है, दो तीन बड़े अहम मसले हैं। पहला अहम मसला यह है कि ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, अभी एनके सिंह साहब ने भी कहा बिहार की भी समस्या है,
ये दूसरे प्रदेशों की समस्या है, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। अगर इसे ये कानून जरूरी है और इसमें नो डाउट की जरूरी है, इस पर एक मसौदा तैयार करना चाहिए बीजेपी को। इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, 7 साल हो गया केंद्र सरकार में, बीजेपी है, इसमें मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? इस पर एक बहस होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए, जो कि संसद में होना चाहिए, जहां कानून पारित होता, उस सर्वदलीय बैठक होती और उसमें एक निष्कर्ष निकलता कि क्या कैसे इसको लागू किया जाए, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जब 6 महीने चुनाव को रह गए, तो कहीं ना कहीं जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए वो इस तरीके के मसौदे को तैयार करके लोगों को गुमराह करना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाह रही है, ये बात। दूसरी बात मैं बताऊं, जिस तरीके से कानून में बहुत सारी बातें आई हैं कि ये चीजें लागू होंगी, साहब अगर इस पे मसौदा सही तरीके से तैयार होता, सर्वदलीय बैठक होती, शायद इतनी कमियां ना होती। जैसे अभी जो मसौदा तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश का, साहब ये बताइए इसमें लिखा गया है, डॉक्टर अजीज खान आपने बड़ी बातें कह दी, दरअसल आप तय नहीं कर पा रहे कि इसका विरोध करना है किसका समर्थन करना है। आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती हुई समस्या है, नहीं सुन लीजिए, आप कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती हुई समस्या है, कंट्रोल करना चाहिए, बिहार में भी ये समस्या है, केंद्र में भी, केंद्र को इस पर सोचना चाहिए, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कुछ ना करे, ना सोचे, इस पर कोई कानून ना बनाए? सर मैं उसी मुद्दे पूरी बात कंप्लीट करने दे, बड़ा अहम मसला है और सेंसिटिव मामला है। सर आप देखें केरला में ले ले, केरला में, अरे आप उत्तर प्रदेश की बातचीत करिए सर, मेरी बात, डॉक्टर अजीज खान उत्तर प्रदेश की आप बातचीत करिए, आप बिहार मत जाइए, केरला मत जाइए, आप बिहार मत जाइए, केरला मत जाइए, वो समस्या है, वो पूरे देश की नहीं, वो पूरे विश्व की समस्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये पूरे विश्व की समस्या है। केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश में सरकार चुपचाप बैठ जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कोई फैसला ना ले? अरे भाई आप लाइन तय करके आए हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं लाइन तय करके नहीं आया हूँ, मेरी दिक्कत यह है कि आप लाइन तय नहीं कर पा रहे कि आप समर्थन करना है कि विरोध करना है, आप बताइए। लाइन तय है मेरा, मैं मुझे मौका दे, पूरी बात रखेंगे ना हम। केरला में लिटरेसी रेट 96% है, इसलिए वहाँ फर्टिलिटी रेट आपने देखा 1.8 है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में देखें, यहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। मकसद मेरा कहने का है, जागरूकता पैदा करिए, लोगों के अंदर, लोगों को शिक्षित करिए। अगर ये आप नहीं कर रहे, किसी भी कानून को थोपा नहीं जा सकता। एक तो सुनिए, लागू नहीं हो पाएगा। डॉक्टर अजीज खान एक तो जो बातें आप कहते हैं, जब नेशनल टेलीविजन पर बैठा करिए ना, तो थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट में थोड़ा सा फर्क महसूस, पूरा आंकड़ा है डॉक्टर अजीज खान, फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट में थोड़ा सा फर्क महसूस करिए, दोनों का मतलब क्या होता है इसे पढ़िए, ठीक है? मैं वो भी बताऊंगा, 2001 में, ठीक है, सुनिए आप, जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी में थी 16.76%। ठीक है, मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे बातचीत करूंगा, एक बयान में सुनवाता हूँ, शफीकुर रहमान बर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे ना, सुनिए पहले उनकी बात। सर मैं सुन लीजिए फिर मैं आप ही से बात करूंगा। ये कुदरत के कानून से टकराने की बात कर रहे हैं। कुदरत ने एक कानून बहुत पहले, कुदरत ने सारे सबको, मुझे, आपको, हम सब उसके ही तो पैदा करे हुए हैं, कैसे ही मान लो उसको किसी तरीके से, लेकिन हैं उस एक जात के जिसने सारी दुनिया बनाई और पैदा की, हम भी उसमें, तो उस वक्त उसने वायदा लिया था सब रूहों से, जब हम इस शक्ल में नहीं आए थे, रूह थी हमारी जगह। तो आपने सुना डॉक्टर अजीज खान, आप ही की पार्टी से सांसद हैं, आप इनसे पूछेंगे इस तरीके का बयान क्यों जारी करते हैं? सर मुझे अपनी बात रखने दीजिए, अब मुझे प्लीज एक 10 सेकंड का मौका दे दे, पूरी बात। अभी आपने कहा था जनसंख्या वृद्धि दर, सर 2001 में हिंदू भाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर थी 19.92 और उसी तरीके से 2011 में घट करके आ गया 16.96%। आप इसे मुस्लिम कम्युनिटी में ले ले, 2001 में था 29.5%, लेकिन 2011 में गिर करके आ गया 24.6%। यानी लगातार आपने देखा कि किस तरीके से गिरावट आया, जब साक्षरता बढ़ी, लोगों के अंदर जागरूकता आई, तो ऑटोमेटिक जनसंख्या वृद्धि दर गिर गया। मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा असेट है, इस मुल्क का असेट है, क्या है? युवा जनरेशन, जिसको हम जाकर के बाहर छाती पीट के बोलते हैं, मोदी जी कहते भी देशों में कि साहब हम 67% युवा है हमारे मुल्क में, यह विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए आप चाहते हैं कि एक परिवार में 10-10 बच्चे होने चाहिए ना डॉक्टर अजीज खान, आप चाहते हैं एक परिवार में 10-10 बच्चे होने चाहिए? मेरी बात सुनिए सर। नहीं नहीं, आप चाहते हैं कि एक परिवार में 10-10 बच्चे हों? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं सर मेरी बात सुने, चाइना ने वन चाइल्ड, अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना डॉक्टर अजीज खान। डिबेट में ऐसा ये होता है ना, डिबेट का आमतौर पर जो नियम, हो सकता है आपके लिए अलग नियम हो, होता यह है कि सवाल किया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है,
जवाब के बदले दुनिया भर की बातें नहीं की जाती हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप क्या चाहते हैं, एक परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, क्या आपकी पार्टी की क्या नीति है इस पर? सर सर, ये जैसा कि मैं देख रहा हूं लगातार हिंदू और मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है। अरे आपने जोड़ा, आपने जोड़ा डॉक्टर अजीज खान, मैंने हिंदू मुस्लिम की बातचीत नहीं की। आप हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, मुस्लिमों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, कितनी घटी, इस बात का जिक्र आपने किया। मैंने लिया हिंदू मुस्लिम का नाम, एक बार भी इसको कम्युनलाइज किया जा रहा है सर, मुझे किसने किया डॉक्टर अजीज, किसने किया डॉक्टर अजीज, किसने कम्युनलाइज किया, कम्युनलाइज किया जा रहा है लगातार। अरे किसने किया, कम्युनलाइज किया जा रहा है, ये दुख है। नहीं नहीं, किसने किया कम्युनलाइज, इसको कम्युनलाइज कर रही है। ठीक है, आलोक अवस्थी आइए, आलोक अवस्थी आइए, कौन कम्युनलाइज कर रहा है इस मसले को? देखिए, सरकार ने और जो विधि आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये जो हम ड्राफ्ट बना के लाए हैं ये सारी जनता के लिए है, ये कोई जाति धर्म या अलग वर्ग के लिए कोई नहीं लाया गया है। जो भी देश में कानून बनता है वो पूरे जनता के लिए बनता है। अब अजीज खान साहब चाहते हैं कि दो बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो साइंस की शिक्षा लेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। अब वो चाहते हैं कि एक घर में 10 बच्चे पैदा हो तो कोई पंचर जोड़ेगा, कोई जो है जाकर कहीं मरम्मत करेगा, कोई जाकर कहीं भीख मांगेगा, क्योंकि आप 2 बच्चों को तो पाल सकते, कैसे 10 बच्चों को पालेंगे। इतनी बात यह है कि जब जनसंख्या नियंत्रण का इतनी बात आ रही है, क्या कांग्रेस नहीं लेके आई जनसंख्या नियंत्रण? लेकिन कांग्रेस जब ले गए थे, हम तो हमारे दो का नारा लेकर के आए। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं आलोक अवस्थी कि आप लोगों ने उनसे बातचीत नहीं की, उनकी राय नहीं ली, क्यों आप लोग करते हैं ऐसा? एक सर्वदलीय बैठक बुलाए होते, बातचीत किए होते। देखिए, राज्य विधि आयोग ने जो संशोधन जो ड्राफ्ट दिया है वो ओपन है सबके लिए, 19 जुलाई तक उस पर आपत्तियां मांगी गई है। समाजवादी पार्टी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो जाकर के राज्य विधि आयोग को अपनी आपत्ति दर्ज करे और उसके ऊपर राज्य विधि आयोग उसको जो है अपना वो करेगा, सरकार सामने रखेगा, सरकार बात करेगी। अभी तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तो कोई बिल का ड्राफ्ट लागू नहीं कर दिया गया है। आज हम अगर बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जब भी सरकार कोई काम अच्छा करती है देश के लिए करती है, चाहे हम नागरिक संशोधन कानून लेकर के आते हैं तो ये इसको कम्युनलाइज कर देते हैं, तब ये देश के लिए नहीं सोचते कि देश के संसाधन पर जो है देश के नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। जब हम धारा 370 हटाते हैं तो ये विरोध शुरू कर देते हैं। जब हम पाकिस्तान को जवाब देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके, फड़का देते हैं। 3 तलाक का कानून ला करके हम जो है महिलाओं को जो है समानता का अधिकार देते हैं, ये उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। तो खाली क्या विपक्ष का काम, खाली सरकार के किए हुए कामों का विरोध करना रह गया है? क्या देश के प्रति कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या देश जो है, क्या वो देश के हित नहीं चाहते हैं? आज देश जो है पूरे विश्व में एक बड़े देश के रूप में उत्पन्न हो, उभर करके आ रहा है, चाहे आर्थिक रूप से आ रहा हो। आलोक जी, मैं आता हूँ डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान एक बात का बड़ा सीधा सा जवाब दीजिए। आपको आपको आपकी पार्टी को क्या लगता है, क्या पॉपुलेशन एक समस्या नहीं है, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की जानी चाहिए? सर मैं वही कह रहा था, बिल्कुल करनी चाहिए, उसका एक तरीका होता है, बाकायदे मसौदा तैयार होता है, सर्वदलीय बैठक होती है। मसौदा तो तैयार हुआ, ये पहला स्टेज तो है डॉक्टर अजीज खान। विधि आयोग ने मसौदा तैयार किया, वेबसाइट पर अपलोड किया, वहां पर 19 तारीख तक लोग सुझाव दें, आप लोग भी सुझाव दीजिए, सरकार कल तो लागू करने नहीं जा रही है। सर ये सर कानून संसद में बनता है, कानून विधानसभा में बनता है, कानून वेबसाइट पर नहीं बनता है। मेरी बात सुने सर आप, ये नहीं नहीं, फिर तो मैं इनके सिंसर के पास जाता हूँ, एक मिनट, मैं विवाद, एक मिनट रुकिए डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, कोई भी कानून की बातचीत आती है तो पहले विधि आयोग मसौदा तैयार करता है। इनके सिंसर मैं ठीक हूँ ना, ये तो पहला स्टेज यही होता है कि विधि आयोग मसौदा तैयार करता है, उसके बाद उस पर विचार विमर्श होता है, तब बहस होती है। विधानसभा में बहस कराएंगे, चुनाव सर पर आ गया, कब विधानसभा में बहस कराएंगे? अरे वो सरकार को छोड़िए ना डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान वो सरकार पर छोड़िए, सरकार की रणनीति क्या है? एक मिनट, आप दोनों लोग शांत, मैं डॉक्टर अजीज खान आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एनके सिंह सर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। एनके सिंह सर, पहला तो स्टेप यही होता है ना कि विधि आयोग मसौदा तैयार करता है, उस पर लोगों से राय शुमारी होती है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सरकार के पास जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा राकेश, और बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है कि विधि आयोग तैयार करे, सरकार तैयार करे, लेकिन ये स्टेट विधि आयोग तैयार कर रहा, जस्टिस मित्तल तैयार कर रहे हैं, और इसका एक ड्राफ्ट है जो कि पब्लिक डोमेन में जाएगा, पब्लिक से रेस्पॉन्स लिया जाएगा। हालांकि ये सॉफ्ट स्टेट का कैरेक्टर है, अगर हार्ड स्टेट होता तो ये भी ठीक है।